नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का फ्रोनचियर 2022 रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद सिटी को सेकंड इन वर्ल्ड इन नॉइज़ पॉल्यूशन डिक्लेयर किया है तो आज इस वीडियो में नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में हम समझेंगे और किस हिसाब से मुरादाबाद को सेकंड इन वर्ल्ड इन नॉइज़ पॉल्यूशन डिक्लेयर किया है वो समझेंगे और कौन कौन सा इंडियन सिटीज इस लिस्ट में आया है वो भी चेक करेंगे शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट फ्रोन जे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिपोर्ट में टोटल सिक्सटी वन सिटीज है अराउंड द वर्ल्ड हाइएस्ट नॉइज़ पोल्यूशन रिकॉर्ड हुआ है बांग्लादेश का कैपिटल ढाका में 119 डेसिबल सेकंड नाइनटीन है मुरादाबाद 114 डेसिबल थर्ड प्लेस में पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है 105 डेसिबल इस रिपोर्ट में 30 नॉइज़ पोल्यूटेड सिटीज़ साउथ एशिया से है उसमें से पांच जो है इंडिया से है सबसे पहले मुरादाबाद फिर कोलकाता 89 नाइन डेजिबल अजनसोल वेस्ट बंगाल 89 नाइन डिजिबल जयपुर राजस्थान 84 फोर डिजिबल एंड डेली 83 थ्री डेजिबल नाउ नॉइस पोल्यूशन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स क्या होता है नॉइस पोल्यूशन एनवायरमेंट में जब एक्सेसिव साउंड का प्रेजेंस है या फिर अनवांटेड साउंड्स ज्यादा है इसे आप नॉइस पोल्यूशन बोल सकते हो वैसे साउंड लेवल्स को डेसिबल्स में मेजर किया जाता है अब नॉइस पोल्यूशन का वेरी बेसिक कॉसेस क्या क्या है आप सबको पता है आउटडोर में है तो साउंड्स ऑफ व्हीकल्स एक्सप्लोशन का साउंड लाइक बेस्टिंग ऑफ क्रैकेट मशीन्स का साउंड लाउड स्पीकर्स का इंडोर में है तो अगर आप टेलीविजन और म्यूजिक अप्लायंसेस हाई वॉल्यूम में चला रहे हो सम किचन अप्लायंसेस लाइक मिक्सर ग्राइंडर का साउंड फिर सम होम अप्लायंसेस लाइक कूलर एयर कंडीशनर्स वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा अब नॉइज पोल्यूशन के हार्म्स क्या क्या है सबसे पहले लैक ऑफ स्लीप होगा फिर हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर होगा एंगजाइटी हो सकता है एंड मेनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स मोर ओवर दोस्तों नॉइस पोल्यूशन से आ, आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आपका मूड एकदम खराब हो जाता है ये आप सभी ने फेस किया होगा फिर देखिए अगर एक पर्सन लाउड लाउड साउंड के लिए कंटिन्यूसली एक्सपोज है तो उनको टेम्पररी और इवन परमानेंट इंपेयरमेंट ऑफ हियरिंग तक हो सकता है ठीक है तो लॉस ऑफ हियरिंग का चांसेस है अगर लाउड साउंड के लिए कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड है बिसाइड्स इट हैज बैड इफेक्ट ऑन द कम्युनिकेशन ऑफ मेनी एनिमल स्पीशीज देखिए एनवायरमेंट में अलग अलग एनिमल स्पीशीज जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं जब ज्यादा ही नॉइज पोल्यूशन होता है ना दोस्तों इनकी जो सुनने की कैपेसिटी है वो खराब हो जाता है बेसिकली एनिमल स्पीशीज के जो कम्युनिकेशन है उसको भी इंपैक्ट करता है नॉइज पोल्यूशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड्स क्या क्या है 1999 के उनके गेडलाइन के हिसाब से रेजिडेंशियल एरियाज में मैक्सिमम 55 डेसिबल तक नॉर्मल है फिर ट्रैफिक एंड बिजनेस सेक्टर्स में वो लिमिट है सेवेंटी डेजबल्स तक मतलब देखिए खोल मिला के सेवेंटी डेजबल से ज्यादा नॉइज तो होना ही नहीं चाहिए नाउ व्हाट आर द मेर्स टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन आजकल की टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करोगे तो नॉइज पोल्यूशन को एक लिमिट तक आप कंट्रोल कर सकते हो लाइक एयरक्राफ्ट इंजिनस में ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में इंडस्ट्रियल मशीन्स में होम अपलाइंस में आप साइलेंसिंग डिवाइसेस इंस्टॉल कर सकते हो फिर देखिए रेजिडेंशियल एरिया से जितने नॉइसी ऑपरेशन है वो दूर रखो कोशिश करने का फिर यूस ऑफ ऑटोमोब हॉन्स शुड बी मिनमेस्ट ए तो हम खुद ही कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि हॉर्न तो निकाल नहीं सकते ऑटोमोबाइल से तो उसका जो यूसेज है वो कम करो लोग जो है ज्यादा ही इंटरेस्टेड है हॉर्न बजाने में टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स अगर आप घर पे हो तो टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम हमेशा लो वॉल्यूम में चलाने का है फिर ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड्स देखिए अगर आप रोड के दोनों साइड में बिल्डिंग्स के चारों तरफ ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाओगे तो वो भी साउंड को कट डाउन कर सकता है ठीक है वो मैक्सिमम साउंड को अब्जॉर्ब कर सकता है तो ये सब मेशर्स है नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस करने की फाइनली सम लेजिस्लेटिव मेशर्स टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन। सबसे पहला एक्सेसिव नॉइस को ऐसे क्राइम रजिस्टर किया है अंडर सेक्शन 268 ऑफ द इंडियन पीनल कोड तो अगर कोई डिलिबरेटली एक्सेसिव नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहा है उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 268 ऑफ द आईपीसी फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स टू थाउजेंड नोटिफाई किया था इन रूल्स के अंदर कई सारे प्रोविजन है नॉइस लिमिट्स को लेके फिर एनवायरमेंट एक्ट नाइनटीन में नॉइस को एस ए पोल्यूटन रिकोगनाइज किया है फिर देखिए डे एंड नाइट लिमिट्स ऑफ नॉइस प्रिस्क्राइब डे टेम में कितना हो सकता है नाइट टेम में लिमिट्स क्या है उनके बारे में भी ऑलरेडी कई सारे प्रिस्क्रिप्शन हैं फिर हॉस्पिटल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कोर्ट्स के 100 मीटर रेडियस में जो एरिया है उसे साइलेंस जोन डिक्लेयर किया है उधर यूज ऑफ हॉर्न्स लाउड स्पीकर्स बर्सिंग ऑफ वगैरह बैंड है फिर देखिए यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स को स्पीकर पब्लिक नुसेंस माना है एंड इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 133 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अगर कोई लाउड स्पीकर यूज कर रहा है और आपको उसे परेशानी है तो अंडर सेक्स सेक्शन 133 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आप कंप्लेन कर सकते हो बेसिकली लाउड स्पीकर यूज करने के लिए अथॉरिटी से परमिशन भी लेना पड़ता है वो भी देखिए रात को दस बजे के बाद नॉर्मली परमिशन नहीं मिलता है ऊपर से एक या दो दिन के लिए कोई फंक्शन वगैरह के लिए लाउड स्पीकर का परमिशन मिल जाता है लोकल अथॉरिटी से फिर भी अगर कोई लॉन्ग टाइम के लिए लाउडस्पीकर यूज कर रहा है आपको परेशानी हो रहा है तो सेक्शन 133 थर्टी थ्री ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजियर में वो एक पनिशेबल ऑफेंस है ये आप ध्यान दीजिएगा फिर फाइनली देर आर प्रोविजन रिलेटेड टू नॉइस पोल्यूशन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट फैक्ट्रीज एक्ट रेलवे एक्ट एयरक्राफ्ट एक्ट एक्सेट्रा देखिए कई सारे एक्ट में भी नॉइस पोल्यूशन से रिगार्डिंग कई सारे प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों एंड इट आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर के पीडीएफ सोशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय डे